हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट विद एमजेड स्पोर्ट्स चैनल। फ्रेंड्स, श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान का ऐलान। 3 बड़े नाम जो हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं और 3 और बड़े नामों की दोबारा वापसी हुई है। मुकम्मल अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर से कराची में खेला जाएगा और इसी हवाले से टीम पाकिस्तान के 20 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान आज किया जा रहा है, जिसके बाद 23 सितंबर को हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक और फखर जमान को ड्रॉप किया जा सकता है, जबकि इनकी जगह पर उमर अकमल, अहमद शहजाद और आबिद अली की टीम में वापसी से मुतल्लिक गौर किया जा रहा है। तहम हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो फ्रेंड्स, ये हैं अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक और फखर जमान की जगह पर उमर अकमल, अहमद शहजाद और आबिद अली को शामिल करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।